आज मैं अपने चैनल अपनी माटी अपनी थाती में जिस करिश्माई शख्सियत से मिलवाऊंगा वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी हमने उन्हें भुला दिया। 14 सितंबर 1954 को जन्मे डॉक्टर श्रीकांत जिचकर सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। आज भी वे सबसे शिक्षित भारतीय राजनीतिज्ञ कहे जाते हैं। उन्होंने MBBS और MD करने के साथ ही कई विषयों में MA की परीक्षा पास की। सच को उजागर कर देश की सेवा करने की इच्छा से उन्होंने पत्रकारिता के साथ MBA और बिजनेस स्टडी में डिप्लोमा लिया। 1978 में वे IPS बनकर पुलिस सेवा में आए, किंतु पसंद न आने पर 1980 में IAS बने। वे अच्छी चित्रकारी करने के साथ कार्टूनिस्ट, प्रोफेशनल फोटोग्राफर और स्टेज आर्टिस्ट भी थे। इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें खालीपन लगने लगा तो उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में आकर जनसेवा करने का निर्णय लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। अपने ज्ञान और शिक्षा के बूते जल्द ही उन्होंने राजनीति में मजबूत पकड़ बना ली। भारत में सबसे कम उम्र के विधायक बनने का खिताब उनके नाम है। जल्द ही उन्हें ताकतवर मंत्रालय भी मिल गया। उनकी योग्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 14 महत्वपूर्ण विभाग सौंप दिए गए। वे 1986 से 1992 तक महाराष्ट्र विधान परिषद और 1992 से 1998 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। राजनीतिक व्यस्तता के बाद भी वे स्वाध्याय अवश्य करते थे। उनकी निजी लाइब्रेरी में 52,000 से अधिक किताबें थी। कहते हैं अच्छे लोगों को भगवान अपने पास जल्द बुला लेते हैं। डॉक्टर श्रीकांत भी इसका उदाहरण है। 2 जून 2004 को नागपुर से 40 किलोमीटर दूर एक सड़क दुर्घटना में राजनीति में ज्ञान और शिक्षा की अहमियत स्थापित करने वाले श्रीकांत दुनिया को अलविदा कह गए। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।